इलेक्शन का अज अखीरला दिन प्रचार दे लई और तुसी पिछले एक डेढ़ महीने च पूरा पंजाब घूमे हो, माहौल देखिया, हवा किस तरीके दे नाल बदली है जो तुसी पंजाब आए, जो अरविंद केजरीवाल जेल च सीगे, तुसी जेल तो बाहर आए और सब तो पहला पंजाब आए, मुख्यमंत्री नूं जफ्फी पाई और डेढ़ महीना तुसी प्रचार कर रहे हो, ये माहौल की नज़र आ रहा है? देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे देश में होने जा रहा है और उसका एक व्यापक असर पंजाब में भी दिख रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है काले कानून के खिलाफ। अगर देश के किसी हिस्से में सबसे ज्यादा रोष, सबसे ज्यादा आक्रोश भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को लेकर है तो वो राज्य है पंजाब। और उसकी वजह यह है कि भाई, आपने जितने वादे यहाँ के किसानों के साथ किए उनके पीठ में छुरा मारने का काम किया। MSP की गारंटी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से आपने कहा था लागू करेंगे, आज तक आपने नहीं किया। आपने किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात कही थी, आपने नहीं किया। आपने उनको जो सब्सिडी मिल रही थी उसको लगातार घटाने का काम किया। तो खेती आज एक घाटे का धंधा हो गई है और खेती से लोगों का मोह भंग हो रहा है, लोग छोड़ रहे हैं खेती। तो अभी भी आप देखिए शंभू बॉर्डर पे लोग बैठे हुए, शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गुस्सा और आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को अगर झेलना पड़ेगा तो पंजाब में। और इसलिए 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। भगवंत मान जी के काम, केजरीवाल जी की गारंटी, वो सब हमने 2 साल में पूरा करके दिखाया है। एक ऐसी सरकार जिसने 43,000 पक्की नौकरियां दी, बहुत सारे लोग जो लंबे समय से कच्ची नौकरियां कर रहे थे, एडहाक पे थे, उनको परमानेंट किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सरकारी स्कूलों में सुधार किया, नहरों में जहां 30 साल तक पानी नहीं आता था वहां पे पानी पहुंचाया। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा वादा था हमारा, 300 यूनिट बिजली फ्री का, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। और आप देखिए कि पंजाब का पावर डिपार्टमेंट फायदे में गया, 900 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है सरकार को। तो ये दिखाता है कि सरकार अगर ईमानदारी से, साफ नीयत से काम करेगी तो खजाने में पैसे की कमी नहीं है, जनता को बहुत राहत दी जा सकती है और उसके बाद भी सरकार को मुनाफे में लाया जा सकता है। अमित शाह पंजाब आंदे ने, वो कहंदे ने कि 4 जून तो बाद पंजाब की सरकार डिग जाएगी। देखिये, अमित शाह ने जो कहा मैंने सुना था, मुझे तो उनके ऊपर हंसी आ रही है कि पंजाब का इतिहास ही उनको नहीं पता। पंजाबियों की बहादुरी के बारे में तो जान लो, पंजाबियों के संघर्ष के बारे में तो जान लो, आजादी के आंदोलन में और उससे पहले उनका क्या योगदान भारत माता को बचाने के लिए रहा है उसको तो जान लो। पंजाबियों का इतिहास ये रहा है कि वो नादिर शाह के आगे नहीं झुके, तो अमित शाह की क्या औकात है? आके आप एक चुनी हुई सरकार को गिराने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं, 92 सीटों से प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनी है उसको आप गिरा देंगे आप कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती और इससे ज्यादा शर्मनाक बात भी कोई नहीं हो सकती कि देश का गृह मंत्री इस तरह से बात कर रहा है। कई राज्यों में और मैं मोदी जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, मैं तो कहता हूं बीजेपी के बारे में और नरेंद्र मोदी जी के गिरोह के बारे में, मैं ये कहता हूं कि भाई हमने कार चोर सुना, सोना चोर सुना, बाइक चोर सुना, ये लोग तो पार्टी चोर हैं, पार्टियां चुरा रहे हैं ये लोग। आप मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, कई राज्यों की सरकारें इन्होंने गिराई, हमारी झाड़ू चुराने आए थे दिल्ली में, हमने झाड़ू मार मार के भगाया इनको वहां से। अब पंजाब में यही गलती करने जा रहे हैं, यहां भी झाड़ू मार मार के भगाए जाएंगे ये। पहली बात, 4 जून के बाद इनकी क्या हालत होने जा रही है वो तो देखिए। पहले कह रहे झोला लेके भाग जाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं, तो झोला लेके भाग जाएंगे मोदी जी कह रहे हैं, ऐसे झोला लेके थोड़ी भागने देंगे, झोले में क्या क्या है वो चेक किया जाएगा। लेकिन आपका एक सांसद विधायक चुरा लिया, तो मैं कहता हूँ पार्टी चोर लोग हैं ये लोग। लेकिन हमारी सरकार 92 सीटों की प्रचंड बहुमत की सरकार है यहाँ, और किसी भी हालत में सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी और आगे 5 साल के लिए फिर चुनी जाएगी।
लुधियाना में आप हैं, निर्मला सीतारमण यहाँ पर आई, व्यापारियों से बात की, व्यापारी कह रहे हैं कि किसान धरना दे रहे हैं, हम कहाँ धरना दें, हमारी तमाम मुश्किलें हैं, किस तरह से उसका निपटारा होगा, क्योंकि सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि किसानों के भेस में किसान लीडर जो हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चेहरे हैं, व्यापारी परेशान है। सुनील जाखड़ क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, सुनील जाखड़ जी तो खुद तब कांग्रेस में थे जब किसानों का आंदोलन चल रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने क्या किसानों की जिंदगी की दुश्वारियों को कम करने के लिए कोई कदम उठाया? नहीं किया आपने। आपने किसका कर्जा माफ किया? पूंजीपति दोस्तों का। 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया है। अपने एक ही दोस्त को अडानी को कोयला दिया, गैस दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, रेल दिया, सेल दिया, पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया। पूरे देश का संसाधन अगर एक दोस्त पर आप लुटा रहे हैं तो फिर तो आप देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं, दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। रोजगार मांगिए तो कहते हैं पैसा नहीं है, किसान के फसल का दाम मांगिए तो कहते हैं पैसा नहीं है, अपने लिए सुविधाएं मांगिए तो कहते हैं पैसा नहीं है। तो ये सारा का सारा पैसा तो अपने दोस्तों पर लुटा रही है सरकार ना, इसका जवाब दें। निर्मला सीतारमण जी के तो पति का ही बयान सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देश का अंतिम चुनाव है, और यही बात हम लोग कह रहे हैं कि गलती से अगर मोदी जीत गया तो फिर इस देश में चुनाव होने वाला नहीं है। यहां पे पुतिन का मॉडल और यहां किम जोंग का मॉडल लागू होगा, आप देख लीजिएगा। ये संविधान को खत्म करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, ये आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करेंगे जिससे दलितों पिछड़ों आदिवासियों को राहत मिलती है, और साथ ही साथ ये लोग भारत के लोकतंत्र को कुचल के समाप्त करने का काम करेंगे। व्यापारियों को परेशानी हो रही है, उसके लिए पंजाब सरकार क्या कर रही है? देखो ऐसा है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखते हैं, बिजली की सप्लाई समय पे देते हैं, इनकम टैक्स और ईडी सीबीआई के छापे तो केंद्र की सरकार मरवा रही है, लेकिन अगर आप इंस्पेक्टर राज को राज्य के स्तर पे खत्म करते हैं, ये सबसे बड़ी लाइसेंसिंग जो होती है जिसके लिए लंबे लंबे समय तक व्यापारियों को दौड़ाया जाता है, उसकी सुविधाओं को आप आसान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की। और भगवंत मान जी का काम बहुत ही शानदार रहा है। 2 साल में उन्होंने जितने वादे किए थे अपने वादे पे काम कर रहे हैं वो। आप देखिए बिजली फ्री, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिकों का निर्माण, सरकारी स्कूलों का निर्माण, बेहतरीन सरकारी स्कूल बन रहे हैं पंजाब के अंदर जिसकी कल्पना नहीं किया था किसी ने, और किसानों के साथ हम सबसे ज्यादा खड़े रहे। किसानों के ऊपर जब भी जुल्म और अत्याचार हुआ हमारी सरकार सीना तान के एकदम आगे खड़ी रही उनके साथ, उनसे संवाद, उनसे बातचीत, उनके समस्याओं का समाधान, ये हमारी प्राथमिकताओं में रहा। भगवंत मान जी ने उसको किया। कितनी सीटें आप पंजाब में आम आदमी पार्टी को मानकर चल रहे हैं और देश में? हमारा 13-13-0 का हमारा नारा है, उसको यहाँ की जनता सच करके दिखाएगी। और देश में? देश में 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी।